इस समय हम खड़े हैं कन्नौज जिले के सौरिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ बहादुरपुर मजगमा में गांव में मामूली विवाद को लेकर मारपीट के बाद चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। एक युवक की हत्या के बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी घायल युवक की मौत हो गई। अब देख सकते किस तरह से यही घटना स्थल यहाँ पर है, इधर घटना स्थल है, यहाँ घटना हुई है। इसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस आई हुई है, भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। कहीं ना कहीं जनता में पुलिस का भय रह नहीं गया। किस तरह से दिन दहाड़े ऐसे चाकू गोद कर हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश कन्नौज जिले के सौरिक थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बहादुरपुर में देसी शराब ठेके के सामने राजपाल नामक युवक को जावेद नामक युवक ने किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद चाकू मारकर फरार हो गया। परिजन आनंद फानंद में घायल राजपाल को CSC ले गए, जहां से उसे तीव्र रेफर के दौरान युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए जावेद के घर में दबिश देकर वहां से घटना में प्रयुक्त बाइक को बरामद कर लिया है, जबकि आरोपी अभी फरार है। राजपाल सिंह है, सन ऑफ नर्सिंग, निवासी मजगवा बहादुरपुर थाना सौरिक। सौरिक से जावेद नामक एक आदमी अपनी आरी और कुल्हाड़ी लेकर आया मोटरसाइकिल पर, उसके साथ एक और व्यक्ति था, और किसी बात में पेड़ को खरीदने बेचने की बात पे इनमें कोई विवाद हो गया, जिसमें मुर्गे वाली की दुकान से बड़ी चाकू लेकर इस जावेद ने बीटू उर्फ राजपाल सिंह के पेट में घुसेड़ दिया और फिर दूसरा वार भी उनके चेहरे पर किया। यहां से तत्काल 100 नंबर कॉल की गई, किसी तरह गांव वाले लेके गए अस्पताल, लेकिन वो रास्ते में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस संबंध में इनके परिवारजनों से तहरीर प्राप्त होकर इसमें मुकदमा करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सर, दिन दहाड़े ये घटना हुई है, क्या इससे अपराधियों में खौफ नहीं है क्या? दिन दहाड़े घटना हुई है और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी हमारी होती है वैधानिक रूप से वो की जाएगी और दिन दहाड़े के हिसाब से ही की जाएगी। कैमरा 24 खबरों पर पैनी नजर।